सांभर की तैयारी, अरहर की दाल, गाजर, लौकी, कद्दू, बीन, टमाटर और थोड़ा सा अदरक, इन्हें मैंने हल्की सी बस हल्दी डाली है उसके साथ उबाल दिया है। और अब तैयारी कर रही हूँ मैं तड़का लगाने की और यह सांभर बनाने की। तेल मैंने सरसों का तेल जला दिया है। तड़के के लिए मैं डाल रही हूँ राई, करी पत्ता और लाल मिर्च। बस ये सब अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं जो सांभर का मैंने उबाल के सब्जियां और दाल रखी थी उसे डाल दूंगी। यूज़ कर रही हूँ मैं कैच का सांभर मसाला, इसको भी ऐड कर दूंगी। इसमें भी मैं लगभग तीन चार चम्मच डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक। इधर मैंने नारियल की चटनी तैयार कर ली है, नारियल दही, उसमें एक चम्मच चने की दाल, नमक डाल करके और दो हरी मिर्च डाल के पीस के इसमें राई, करी पत्ता और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है। इमली को मैंने रात से भिगो दिया था, ये अच्छे से देखिए इसमें मिक्स हो चुकी है पानी में। और बस इसका बस रस निकालती हूँ, छानती हूँ और उसे सांभर में डालती हूँ। सांभर तैयार हो गया, बहुत टेस्टी लग रहा है। सांभर तैयार। बस अब इडली बनाती हूँ, नारियल की चटनी बना चुकी हूँ और इधर बन रही है तुरई की सब्जी। इडली के बैटर में मैंने आधा चावल आधा उड़द की धुली हुई दाल रात से भिगो दी थी और उसका अच्छा सा बैटर तैयार कर दिया था। इधर मैं ग्रीसिंग कर रही हूँ इडली के सांचों में और उसके बाद जो बैटर है वो तैयार जो कर दिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसे मैंने प्रेशर कुकर में पहले से ही वाटर बॉयल करने के लिए रख दिया था और इन सांचों को उसके अंदर रख दूँगी और 15 मिनट तक उन्हें बॉयल होने दूँगी। बस हमारी गर्मा गर्म इडली तैयार हो गई है।